गुड मॉर्निंग। कल हमने आपने संविधान क्यों और कैसे वाला चैप्टर पहला पढ़ा पॉलिटिकल साइंस में, हमें आपको आज दूसरा चैप्टर इसका पढ़ा रहा हूँ, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। संविधान में हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, ये हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं। तो संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि यदि कोई, उनकी एक कोट है ये, इसको याद रखना, क्या यदि कोई मुझे पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, मतलब संविधान का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, तो वो कौन सा संविधान का अनुच्छेद है, तो इस अनुच्छेद 32 को छोड़कर, अनुच्छेद 32 में नागरिकों को संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत भी नहीं कर सकता। यह तो संविधान की हृदय और आत्मा हैं। ये कहा मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये डेफिनेशन है, इसको याद रखना, ठीक है। अधिकार क्या होते हैं इंसान के, भाई हमको अपने जीने का भी अधिकार है, अपनी कोई भी रोजगार करने का अधिकार होना चाहिए जो हमको हमारे संविधान ने दिए हैं, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है, किसी भी तरह की शिक्षा लेने का अधिकार है, किसी भी तरह का व्यवसाय करने का अधिकार है, किसी भी तरह की रोजगार करने का अधिकार है, नौकरियां करने का अधिकार है, तो ये हमारे अधिकार हमको संविधान ने दिए हैं अनुच्छेद 32 के द्वारा। इस संबंध में एक डेफिनेशन आती है अर्नेस्ट बर्कर की। अर्नेस्ट बर्कर ने क्या कहा, अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित होते हैं। जी किसने कहा था, अर्नेस्ट बार्नर ने। अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित होते हैं। डॉक्टर डीडी रिची ने क्या कहा, अधिकार यह संकेत देते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे से क्या मांग कर सकता है, शर्त यह है कि उसे समाज की मान्यता प्राप्त हो। जब राज्य इस मांग को कानूनी रूप देता है तब ये वैधानिक अधिकार बन जाते हैं। कौन से अधिकार बन जाते हैं, वैधानिक अधिकार। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने पूरे विश्व के लोकतांत्रिक गणराज्य देशों का दौरा किया और वहाँ पर संविधान में जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको उन्होंने ग्रहण किया। तो ये मौलिक अधिकार जो है आपको ये लिए गए थे अमेरिका के संविधान से। याद रखना है कि मौलिक अधिकार हमें कहाँ से प्राप्त हुए, अमेरिका संविधान से, अमेरिका के संविधान से हमको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। तो अधिकारों का होना, अधिकार मैंने अभी आपको बताया कि हमारा ये अधिकार है, हमें जीवन जीने का अधिकार है, आपसी शादी संबंध करने का अधिकार है, कोई भी नौकरी व्यवसाय करने का अधिकार है, कोई भी रोजगार करने का अधिकार है। तो ये अधिकार हमको किसने दिए, हमारे संविधान ने। अब इन अधिकारों का महत्व क्या है, अधिकारों का महत्व है नंबर एक, व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जी पहला अधिकार क्या करते हैं, व्यक्ति के नैतिक विकास का, भाई व्यक्ति अपना जो भी विकास करना चाहता है, जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, उसका ये मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप कोई भी व्यवसाय करें, कोई भी नौकरी करें। दूसरा, व्यक्ति में अपने परिवेश के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। परिवेश के प्रति मतलब कैसा, हम जिस माहौल में, जिस समाज में रहते हैं, उसमें हमें एक दूसरे से भाईचारे का बनाकर व्यवहार रखना चाहिए, उनके प्रति, एक दूसरे के प्रति भाईचारे का व्यवहार हो, उनसे आपस में प्रेम हो, तो ये हमारे जागरूकता पैदा करता है अधिकार। मनुष्य को, तीसरा, मनुष्य को सामाजिक हित के अनुकूल परिवर्तित करता है अधिकार। भाई अगर आप किसी को मारोगे पीटोगे तो उसके अधिकारों का उल्लंघन किया आपने, तो इससे क्या होगा, आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी, आपको पुलिस पकड़ेगी, आप कोर्ट कचहरी जाएंगे, जेल जाएंगे, क्यों, आपने दूसरे के अधिकारों को छीना। तो मनुष्य के जो सामाजिक हित होते हैं, सामाजिक हित कैसे होते हैं, जैसे आप कहीं किसी से ब्याह शादी कर सकते हैं समाज में, कोई रीति रिवाज परंपराओं का निर्वहन कर सकते हैं, तो उनको जो परिवर्तित करने में या अनुकूलन करने में अधिकार हमारी बहुत बड़ा महत्व है उनका। चौथा है पॉइंट इसका, व्यक्ति और राज्य के मध्य,
सकारात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है अधिकार। व्यक्ति और राज्य के संबंध में राज्य शब्द का जो प्रयोग आता है ना पॉलिटिकल साइंस में, उसका तात्पर्य देश से होता है। हमेशा याद रखना, राज्य का तात्पर्य ये नहीं है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये नहीं। राज्य का संबंध होता है एक देश से। तो व्यक्ति और राज्य के मध्य, भाई हमारे कुछ राइट्स हैं तो हम उन राइट्सों की मांग कर सकते हैं, अपने अधिकार मांग सकते हैं कि हमको संविधान ने ये अधिकार दिए हैं। तो ये अधिकारों के अनुकूलन होने के कारण आपको राज्य के मध्य और आपके बीच में एक सकारात्मक संबंध विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब भारतीय संविधान ने हम आपको जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, आगे नोट करते जाएं आप। ये अधिकारों का महत्व हो गया चार पॉइंट में। अब कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर लिखा है यहाँ पर अधिकारों के बारे में। क्या लिखा है उन्होंने अपनी संविधान में, हमने ये व्यवस्था नहीं की कि संविधान का निर्वाध मौलिक अधिकार प्रदान करके सर्वोच्च न्यायालय से ये आशा करते हैं कि वह पुलिस सिद्धांत का सहारा लेते हुए संसद की सहायता करे। हमने तो संविधान में राज्य को प्रत्यक्ष अनुमति प्रदान की है कि वह मौलिक अधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगा सके। अगर सरकार को ये लगता है कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनको रोकना आवश्यक है या उन पर कार्रवाई करना आवश्यक है तो सरकार को ये अधिकार है, लेकिन इन अधिकारों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में, जिला कोर्ट में या राज्य कोर्टों में जाकर अपनी अपील करके अपने अधिकारों को पुनः मांग सकते हैं। अब जैसे मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ क्या क्या हैं, मौलिक अधिकार की पहली विशेषता ये है अधिकारों की विस्तृत व्याख्या। हमारे संविधान में हमको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है हर अनुच्छेद में। जैसे अनुच्छेद 12 से 30 तक, फिर 32 से 35 तक हमको अधिकारों की व्याख्या उसमें संविधान के अनुच्छेदों में की गई है। दूसरा, कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं। नागरिक मतलब कौन सी, जो भारत में रहने वाले हैं, भारत के निवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं, उनके लिए दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, पहला, धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद किसी के साथ नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, सार्वजनिक नौकरियों में अवसर की समानता, सभी को एक समान अवसर मिलेगा सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। अल्पसंख्यकों के, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध हैं, यहूदी है, इनको इनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 19 और 30 के द्वारा। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, व्यवसाय या भारत के किसी भी भाग में निवास करने का या आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 ये कहता है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर आ जा सकते हैं, वहाँ पर अपना निवास स्थान बना सकते हैं, ये आपको एक अधिकार अनुच्छेद 19 के द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है आपको कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, मतलब विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, सभी समान हैं, किसी के साथ भी जाति, धर्म या उसके स्त्री पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 23 और 24 कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई आपका शोषण करता है तो आपको कानून की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है कि ये हमारा शोषण कर रहा है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, आपका जो धर्म है, हर समाज के अपने अपने धर्म हैं, वो अपने अपने समुदाय के, वो अपने अपने धर्मों का स्वेच्छापूर्वक पालन कर सकते हैं, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी हमको संविधान ने दिया। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी भी धर्म विशेष के विकास के लिए कर अदायगी में छूट, मतलब कोई भी ऐसा धर्म विशेष नहीं होगा जिससे कि कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आता है अनुच्छेद 32 में। अब मौलिक अधिकार क्या है, कुछ प्रतिबंधों के अधीन भी होते हैं,
कुछ प्रतिबंध भी होते हैं इन अधिकारों पर। क्या होते हैं प्रतिबंध? भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, इन पर संविधान द्वारा प्रतिबंध भी लगाए गए। प्रत्येक मौलिक अधिकार पर पृथक पृथक प्रतिबंध आरोपित भी किए गए हैं। सामान्यतः मौलिक अधिकारों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक सदाचार आदि के अधीन किया गया है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको अधिकार दिए तो आप उनका उजुल फुजुल प्रयोग करें, समाज के दूसरे और लोगों को या राज्य के दूसरे लोगों को आप उन अधिकारों का हवाला देकर परेशान करें, ऐसा कार्य आप नहीं कर सकते। तो संविधान ने कुछ आपको प्रतिबंध भी लगाया अधिकारों पर। अब मौलिक अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। ये मौलिक अधिकार केवल आदर्श की व्याख्या नहीं करते, ये वरन व्यवहारिकता पर भी आधारित हैं। इनकी व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि सामान्य से सामान्य आदमी को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। मौलिक अधिकारों का जो लाभ है वो सामान्य से सामान्य मनुष्य को भी प्राप्त हो, तो ये व्यवहारिकता पर भी आधारित है। अब संविधान के द्वारा आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? नंबर एक, समता का अधिकार। समता मतलब सभी समान होंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, आप सभी स्वतंत्र होंगे शोषण के विरुद्ध। आपका कोई शोषण करेगा तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, तो शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का, आपको अपने अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता, आप जिस धर्म के हैं उस धर्म को आप आसानी से माने, उसको धर्म की आराधना करें, पूजा पाठ करें, वो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आपको किसी भी तरह की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, आपको कोई भी सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जो पॉइंट है इनको आपको नोट करना है, अच्छे से ध्यान रखना इस बात को। पहला कौन सा बताया था? समानता या समता का अधिकार, पॉइंट है ये। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी अधिकार आपको दिए गए हैं, इनको आप एक एक पॉइंट में करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसे है? अनुच्छेद 32 में जो अधिकार दिए गए हैं उसके संबंध में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है ये सुनिए। अगर आपके साथ कोई गलत करता है, आपके साथ अन्याय करता है, आपका शोषण करता है, तो आपको अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी स्थिति में उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आप उच्चतम उच्चतर न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे पहला कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि अगर किसी कारण से आपको बंदी बनाती है पुलिस, तो उसको 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। परमादेश दूसरा है, जिस संविधान के मौलिक उपचारों का अधिकार है, जो उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, प्रच्छा, तो जी आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिए गए। अब मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? मौलिक अधिकारों का महत्व के लिए जी आपको 8 पॉइंट दिए गए हैं। पहला दिया गया है, ये मनुष्य को आत्म विकास का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा, ये राज्य की निरंकुश शक्तियों पर प्रतिबंध भी लगाते हैं। तीसरा, ये विधि के शासन की स्थापना भी करते हैं। चौथा, ये सामाजिक समानता को भी स्थापित करते हैं अधिकार।
पांचवा धर्मनिरपेक्ष राज्य के आधार हैं। छठवां ये कमजोर वर्ग को सुदृढ़ बनाते हैं। सातवां ये अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और आठवां है ये भारत में लोकतंत्र की आधारशिला है। तो मौलिक अधिकार जो है वो भारत में लोकतंत्र की आधारशिला है। अब जैसे आपको संविधान ने अधिकार दिए, उसी तरीके से आपको कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जिनको बोला जाता है, कर्तव्य का तात्पर्य भाई क्या क्या आपके कर्तव्य हैं इस देश के प्रति, से राज्य के प्रति, से राष्ट्र के प्रति, उनको संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए। इनका उल्लेख संविधान के 51A में किया गया है। अब क्या क्या आपके कर्तव्य हैं, इनके कुल संख्या 10 है। ये प्रत्येक नागरिक के ये 10 कर्तव्य भी हैं। कौन कौन से कर्तव्य हैं? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत का आदर करें। जैसे संविधान की आदर्श संस्थाएं हैं, जैसे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, आपके ऑडिट विभाग है, और भी जो भारत सरकार के बड़े बड़े कार्यालय होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनका आपको सम्मान करना है, उनका आदर करना है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका भी आपको सम्मान करना है। राष्ट्रीय गीत है, उसका भी सम्मान करना है। तो ये आपके कर्तव्य हैं। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता आंदोलन जब देश में चला, तो उस समय जो हमारे आदर्श बने, जो हमारे राजनीतिक नेता थे, व्यक्ति थे, और कुछ हमारे आंदोलन के प्रणेता थे, उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखें और समय समय पर उनका स्मरण भी करें, उनका पालन भी करें। जैसे आपने देखा होगा 15 अगस्त को अपन प्रोग्राम करते हैं, वो इसी के लिए किया जाता है। 26 जनवरी के प्रोग्राम भी इसी कार्य के लिए किए जाते हैं। भारत की प्रभुता को, एकता को, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। हमारा संविधान हमसे ये उम्मीद करता है कि हमारे देश के नागरिक इस देश की एक प्रभुता को, एकता को, अखंडता को बनाए रखेंगे, और उसको बनाए रखने में अगर हमको अपने जीवन का बलिदान भी करना पड़े तो हम करेंगे। हमारे सैनिक सीमाओं पर यही कार्य करते हैं और कार्य को पूर्ण रूप देते हैं। राष्ट्र की रक्षा करें। राष्ट्र की रक्षा मतलब कैसे करना है आपको? हमारा देश है, अगल बगल के पड़ोसी देश हम पर हमला ना करें, तो हमें अपने राष्ट्र की रक्षा भी करनी है। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। समरसता मतलब आपस में मेलजोल अच्छा रखें, एक दूसरे के आना जाना रखें, आपस में प्रेम व्यवहार रखें। इसकी भी ये कर्तव्य है आपका, भारत के समाज के प्रति भी, भारत देश के प्रति भी। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, परिरक्षण करें। परिरक्षण मतलब उसकी रखवाली भी करें। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारा ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, जो जो हमारी प्राचीन स्मारक हैं, उनकी हमें सांस्कृतिक विरासत है, वो हमारी, उनका गौरवशाली विरासत को हमें सजोकर रखना है, उनकी रक्षा करना है। ये हमारा कर्तव्य है, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना। प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करें। हमारे देश की जो प्रकृति है, नदियां हैं, तालाब हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं, इनकी हमें रक्षा करना चाहिए। इनके प्रति सद्भाव का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। तो ये अभी हमारा एक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, नए नए प्रयोग करें, जिससे देश का भी भला हो। और ज्ञान अर्जन की भावना मतलब लोगों को आपसे ज्ञान प्राप्त हो, इस तरह की भावना का आप विकास करें। यह भी आपका एक कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति जैसे सरकारी पार्क हैं, रोडें हैं, इमारतें हैं, तो इनकी रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। इन पर किसी तरह का हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दसवां क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में
उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। कहने का तात्पर्य यह है कि हम व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी जो हमारी गतिविधियां हैं जो हम संचालित करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उन सभी क्षेत्रों में हमें उत्कर्ष मतलब आगे बढ़ने के लिए सतत निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपने देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाना चाहिए, ये भी हमारा एक संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कर्तव्यों की भी व्याख्या संविधान में की गई है कि हर नागरिक का ये 10 कर्तव्य हैं जो उसको राष्ट्र के प्रति करना है। परंतु यहाँ पर एक बात का ध्यान भी दिया जाना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य मतलब नैतिक मान्यताएं मात्र हैं, ये न्याय के योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य जो अधिकार मौलिक अधिकारों को जो न्याय के योग्य माना गया है उस तरह से कर्तव्यों को नहीं माना गया, लेकिन ये नैतिक मान्यताएं हैं कि हम इस देश की संतान हैं, ये देश हमारा है, ये भूमि हमारी है, तो हमें इसके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनका हम निर्वाह अच्छे से करें। ठीक है, तो अब आपका ये चैप्टर मौलिक अधिकार और कर्तव्य हुआ। पहला था संविधान क्यों और कैसे, फिर था मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो जो इसके बाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, ये पॉलिटिकल साइंस का आपका अगला चैप्टर होगा। ठीक है, इनके सभी को आप OT जो दिए हुए हैं उनको आप किताब में उनके आंसर दिए, आप उनको करें। छोटे क्वेश्चन हैं उनको भी करें, बड़े क्वेश्चन हैं उनको करें। जो क्वेश्चन आप ना कर पा रहे हों तो उनके लिए आप विद्यालय में आकर सोमवार से मेरे पास 15-20 मिनट आधा घंटे का टाइम निकालें, मैं आपको वो भी करवा दूंगा। इसके कुछ पॉलिटिकल साइंस के मेरे पास नोट्स भी है जो मैं आगे चल के आपको जब इस चैप्टर हो जाएंगे आपको मैसेज में PDF में भिजवा दूँगा। ठीक है बेटा, ओके।